हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैंड अप क्लासेस। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसा कि नेवी एमआर म्यूजिशियन की भर्ती आ चुकी है, तो साथ ही साथ मैं कल के वीडियो में जो है बताने वाला था कि आपके SSR डबल ए और MR के भर्ती की नोटिफिकेशन कब आ रही है और बाकी की उसमें जो क्राइटेरिया है वो क्या है, उसमें डेट ऑफ बर्थ एलिजिबिलिटी क्या मांगेगा। जिन लोगों का कम है वो लोग यहाँ पे देख लेंगे कि यही जो है बिल्कुल सेम डेट ऑफ बर्थ एलिजिबिलिटी रहने वाली है। अगर इससे कम है आपका तो सॉरी, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि नोटिफिकेशन कब से जारी हो रहा है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, और साथ ही साथ जो मैं आपको DOB बताने वाला हूँ, बिल्कुल परफेक्ट DOB है। अपना DOB आप मैच कर लीजिएगा कि आप उसके अंदर हैं कि नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। चलिए शुरू करने से पहले, अगर आप जो है टेक्निकल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल टेक्निकल राघवेंद्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस चैनल को भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा, जैसा कि आपने इस चैनल पर अपने प्यार बनाए रखा है। स्टूडेंट्स आइए चलिए हम आज का ये क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो पिछला इंटेक था वो था अगस्त 2019 के लिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, सेलर डबल ए अगस्त 2019 एंड सेलर SSR अगस्त 2019। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा, नेक्स्ट भर्ती जो आने वाली है, वो आपकी इनटेक फरवरी 2020 के लिए आ रही है, फरवरी 2020, जिसका नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि जून के फर्स्ट टू सेकेंड वीक में जारी कर दिया जाएगा। और अगर बात कर ले एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने की स्टूडेंट्स, तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके जून के लास्ट वीक से जो है फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। और पेपर आपको मालूम ही होगा कि 1 से 2 महीने बाद जो है पेपर होता है। नेक्स्ट चलिए इसकी मैं कुछ और भी डिटेल दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है क्या DOB रहने वाली है, जो बिल्कुल परफेक्ट यही रहेगी। आप एक बार जरूर यहाँ पे मैच कर लीजिएगा कि यही DOB रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं पिछला आपको दिखा देता हूँ कि कितना था और क्या जो है एज क्राइटेरिया यहाँ पे मांगता है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ आपको अंदर की तरफ लेकर के, तो यहाँ ये पेज खुल के हमारे सामने आ गया। तो आप देख सकते हैं जो जो AA में एज क्राइटेरिया मांगता है वो होता है 17 to 20 years, यानी स्टूडेंट्स जो है 17 साल से 20 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप सेलर जो है AA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आर्टिफिशर अप्रेंटिस का पोस्ट है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप सिर्फ मैथ स्ट्रीम से अगर हैं इंटर में, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अब हम जरा बात कर लेते हैं SSR को कि उसमें एज क्राइटेरिया क्या है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ से आप खोलिए जो है SSR का अगस्त 2019, तो यहाँ इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। तो जो SSR 2019 क्या है, इसका डिटेल आपका है 17 years to 21 years। लेकिन यहाँ पे मैं परफेक्ट आपको DOB बताने वाला हूँ कि कितना आपका रहेगा, तो आप जो है जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होगा कि जो नेवी MR की अगर हम बात कर लें, तो उसमें जो एज क्राइटेरिया होता है वो SSR के बराबर होता है, 17 years to 21 years। लेकिन अगर हम बात कर लें स्टूडेंट्स कि नेवी MR का जो वैकेंसी आ रही है वो इनटेक कब के लिए आएगी, तो ये जो पहला SSR और AA का है ये इनटेक फरवरी 2020 के लिए है। और साथ ही साथ जो है जो इनटेक MR का होगा वो होगा अप्रैल 2020 के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पिछला इनटेक है आप देख सकते हैं ये अगस्त 2019 के लिए SSR और AA का है, और ठीक 6 महीने बाद उसकी वैकेंसी आएगी आपकी फरवरी 2020 के लिए। और वहीं बात कर लें जो है हम MR की, तो वो इनटेक अक्टूबर 2019 के लिए ये जो इनटेक आया है जिसका आपने एग्ज़ाम दिया है, अब इसके बाद जो 6 महीने बाद जो वैकेंसी आएगी वो आपकी अप्रैल 2020 के लिए आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ MR वालों कि आपका जो पेपर होगा इनके साथ में होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका इनके साथ में भरा जाएगा, लेकिन बस इनटेक 2 महीने आगे पीछे होगा। तो चलिए अब मैं जो है इसके साथ में DOB का क्राइटेरिया दिखा देता हूँ कि कितना एज आपका रहेगा। अगर आप इतने के अंदर हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, सेफ हैं, तैयार हो जाइए, क्योंकि सिर्फ जो है 20 से 25 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो पूरी तैयारी आप जो है अच्छी तरह कर लीजिए, ये कन्फर्म कर लीजिए कि आप फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं। तो चलिए मैं आपको जो है DOB के पेज पर लेके चलता हूँ।
और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ स्टूडेंट्स की, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो यहाँ से कोई भी गलत न्यूज़ आपको नहीं दी जाएगी। जो चीज़ मैं यहाँ आपको DOB जो बताऊँगा बिल्कुल यही आपकी नेक्स्ट वैकेंसी में रहने वाली है। अगर ऐसा नहीं रहता है आने वाले समय में तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ से नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल स्टैंड अप क्लासेस को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन नेवी SSR AA MR में जो है इनटेक 2020 को लेकर के, जिसमें SSR और AA आता है। तो आप देख सकते हैं जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम जो है 17 ईयर्स टू मैक्सिमम 21 ईयर्स है। नेक्स्ट जो इसमें DOB क्राइटेरिया है कि कितना रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1/2/1999 यानी 1 फरवरी 1999 से लेकर के 31 जनवरी 2003 तक है, वो सभी लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। तो एक बार फिर आप ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ SSR में जिनकी DOB जो है 1 फरवरी 1999 से लेकर के 31 जनवरी 2003 तक है, वो हर एक बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं नेवी AA की। तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया जो एज क्राइटेरिया है वो 17 ईयर्स टू मैक्सिमम 20 ईयर्स है। तो यहाँ आप DOB देख सकते हैं कि जिनका DOB 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2003 तक है, वो हर एक बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है नेवी AA में, जिसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है बहुत जल्द। यानी एक बार फिर आप देख लीजिए 1 फरवरी 2000 से लेकर के जो है 31 जनवरी 2003 तक जिनका वीडियो भी है वो हर एक बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इंडियन नेवी MR में इनटेक अप्रैल 2020 के लिए। तो यहाँ अप्रैल 2020 के लिए जो नेवी MR में जो मैक्सिमम एज है वो 21 ईयर्स है, मिनिमम 17 ईयर्स, और साथ ही साथ जो DOB रिक्वायर्ड है वो है 1 अप्रैल 1999 से लेकर के 31 मार्च 2003 तक, जिनका भी DOB है वो हर एक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हर एक स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए 1 अप्रैल 1999 से लेकर के 31 मार्च 2003 तक। तो यही नोटिफिकेशन है आपके लिए जो मैंने आपको DOB के बारे में बताना था, कि अगर आपका इनके बीच में है तो आप निर्भीक होकर के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर इससे जरा भी आगे पीछे है तो सॉरी आप बिल्कुल फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप दूसरी चीज़ में ट्राई कीजिए। नेक्स्ट जो मैंने आपको चैनल बताया टेक्निकल राघवेंद्र, वहाँ पर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, टेक्निकली चीज़ों से आपको बहुत सारा वहाँ पर ज्ञान मिलेगा, और चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल स्टैंड अप क्लासेस को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।